स्त्रियों से प्यार भारीपन जरूर सुनिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी भी पालतू जानवरों के कारण भी तलाक हो सकता है? लेकिन ऐसा हो चुका है। घटना 2002 की है। इसराइल में एक आदमी अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। एक दिन जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वो इतने बड़े घर में, इतने बड़े बगीचे में बहुत अकेली होती थी, इसलिए वो कुछ पालतू जानवर लाना चाहती थी, पति ने तुरंत ही अनुमति दे दी। लेकिन पति तब हैरान हो गया जब उसकी पत्नी 550 बिल्लियों को अपने घर ले। हर तरफ धुंधले बिल्ली हो घर में और घर के चारों तरफ फैले बगीचे। शुरू में तो उस आदमी को ये दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिल्लियां उसकी गोदी में भी आकर बैठ जाती थी और घर में हर तरफ म्याऊ म्याऊ की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बिल्लियां बेडरूम में, बाथरूम में, रसोई में, यहां तक के खाने की मेज पर भी दिखाई देने लगी। वो बिल्लियां मेज पर लगे हुए पति पत्नी के खाने को भी चुरा लेती थी, जबकि पति ने उनके लिए बगीचे में हर तरफ कटोरे कटोरे रख दिए और सभी कटोरे खाने और दूध से भरे रहते। कुछ ही दिनों में पति को आभास हुआ कि उसकी महीने की पूरी तनख्वाह को बिल्लियों के खाने पर ही खर्च हो रही थी और फिर बिल्लियां घर में उत्पात भी मचाने लगी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो 2-4 बिल्लियां रख ले और बाकी की बिल्लियों को जानवरों की रक्षा करने वाले संस्थान को दे आए। लेकिन पत्नी ने नहीं मानी। आखिर जब पति तंग आ गया तो उसने उस पत्नी को तलाक दे दिया, जिसको वो दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करता था। अजीब अजीब कारण है लोगों के तलाक देने के। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा आगे से, कहीं किसी जानवर के कारण आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा।